नमस्कार किसान साथियों, मैं राहुल उपाध्याय, ग्राम मोहनवा, केशवपुर चिलबिली, पोस्ट हरदोया, जिला अयोध्या, फैजाबाद से बोल रहा हूँ। हमने टमाटर की खेती की है। यह हमारा टमाटर का खेत है, देख सकते हैं किस प्रकार से टमाटर लगाया गया है। लाइन से लाइन की दूरी देख लीजिए, एक फीट है और पौधे से पौधे की दूरी एक फीट, लाइन से लाइन की दूरी एक मीटर। हम बात करेंगे टमाटर का फल। ये देखिए, ये हमारा टमाटर का फल है। ये कौन सी वैरायटी है हम बताना चाहेंगे किसान साथियों को। सिंजक्टा 1057 ये वैरायटी है। इसे जब आप खेत में लगाएंगे, ना तो इसमें खाद की आवश्यकता है, ना तो ज़्यादा दवा की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये टमाटर फरा हुआ है, देख सकते हैं। कोई ऐसी डाल नहीं है जिस पर ये टमाटर ना फरा हो। ये देखिए, इसकी बुआई आप मार्च महीने में कर सकते हैं। जब आप इसका बीज लाइएगा तो सबसे पहले नर्सरी किस तरीके से डालते हैं हम बताएंगे। ये देखिए टमाटर, ये देखिए, नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले बीज लाकर आप 24 घंटे के लिए उसे पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद में उसके बाद आप नर्सरी का खेत बनाए रहिए। बनाने के बाद आप उसमें हल्का सा गोबर की सड़ी हुई खाद और हल्का सा यूरिया, जितनी मात्रा में आप बीज का रोपण करना चाहते हैं उस हिसाब से गोबर की खाद और हल्का सा यूरिया नाम मात्र की, नर्सरी के जिसमें आप नर्सरी उगाना चाहते हैं उसमें आप गोबर की खाद और यूरिया दोनों को मिला दें। मिलाने के बाद आप 24 घंटे के बाद, जब बीज को आप 24 घंटे भिगोए रहेंगे, उसके बाद में आप उसे सूती कपड़े की सहायता से छान लीजिए। छानने के बाद 2 से 3 घंटे उसे बिना पानी के रखिए, जिससे उसमें आंखें फूट आएंगे। फिर उसके बाद आप नर्सरी डालिए। नर्सरी डालने के 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम देखेंगे कि हमारा पौधा तैयार हो गया है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से चाहें तो मेड़ बना लें इस तरीके से। ये देखिए फल कितना बेहतरीन फल है। इस तरीके से आप चाहें तो मेड़ बना लें, और चाहें तो हमारा दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसका आप देखना चाहेंगे किस तरीके से लगाए हैं हम, तो हम बताना चाहेंगे किस तरीके से हम लगाए हैं। तो सबसे पहले आप खेत की जुताई करा लीजिए, उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें मिक्स करा लीजिए, मिलाकर खेत की जुताई कर लें। उसके बाद शाम को आप पानी भर दीजिए खेत में। पानी भरने के बाद में आप इसमें लाइन से लाइन डोरी की सहायता से सुबह के समय आप इसमें पौधरोपण कर सकते हैं। पौधरोपण के 7 से 8 दिन के अंतराल पे, 10 दिन के अंतराल पे पौधे जब खड़े हो जाएं, निराई गुड़ाई करा दीजिए। उसके निराई गुड़ाई के 20 दिन बाद या 25 दिन बाद आप इस पे NPK 19-19 का छिड़काव करा दीजिए। NPK 19 का छिड़काव इसलिए कराया जाता है किसान साथियों कि पौधे में अधिक वृद्धि होती है। जैसे आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे किसान साथियों को कि
ये जब पौधा हमारा लगा था, ये देखिए एक ही पौधा था, देखिए इसमें कितने कामे निकले हुए हैं, ये देखिए। ये अधिक से अधिक कल्ले जो फूटे हुए हैं इसमें, इसमें ये NPK 19-19 का छिड़काव कराने से हैं। अगर आप भी टमाटर की खेती करना चाहते हैं किसान साथियों, तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है टमाटर की खेती के बारे में, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9616-6029-07। आप इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और हम परवल की भी खेती करते हैं किसान साथियों, अगर आपको परवल का पौधा चाहिए तो आप बुकिंग भी कर सकते हैं, वही मोबाइल नंबर है 9616-6029-07। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद किसान साथियों।